रफी के जाके मैं आप सभी को खुशामदी। तो आज हम बनाएंगे सीख कबाब, रिमझिम सीख कबाब बनाएंगे एकदम आसान तरीके में। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं रिमझिम। एक ले लिया बच्चा जग और ये ले लिया करने के लिए चिकन, ये चिकन हो गया। लहसुन ले लिया एक टेबल स्पून, तीन मिर्ची ले लेते हैं हम, एक टीस्पून की चौथाई काला नमक, टीस्पून की चौथाई आधा टीस्पून नमक, लाल मिर्च एक टीस्पून की चौथाई, हल्दी पाउडर धनिया पाउडर आधा टीस्पून, ब्लैक पेपर आधा टीस्पून चौथाई हिस्सा, गरम मसाला थोड़ा सा इसके अंदर डाल देंगे, अदरक थोड़ा सा, हरा धनिया डाल देते हैं और इसे डाल देते हैं चॉपर में, सीधा बारीक चॉप कर लेते हैं, थोड़ा सा पुदीना। तो ये हो गया, अब हम ढक्कन मार देते हैं और चालू कर देते हैं अपना मिक्सर का काम। अब निकाल लेते हैं, चॉप हमारा हो गया है। आधा टीस्पून चाट मसाला और आधा टीस्पून जीरा पाउडर और अब इसे कर देते हैं, आधा काम अपना हो गया। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर हम मिला देंगे ऑनियन। ऑनियन इसलिए मिलाएंगे, ऑनियन का पानी हमने निकाल दिया है, चॉप करने के बाद में थोड़ा सा नमक मिला के हमने रख दिया था, फिर कपड़े में उसको निचोड़ लिया है। तो ये डाल देते हैं, इसी वजह से थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा। तो ये हमारा हो गया रेडी। और अब क्या करना है, यूं आपको हाथ धोना है और उसके बाद ये देखो लगा देना है, पानी लगा लगा के इसको बराबर सेम एक ही जैसा ऊपर को या वो साइड आगे साइड इधर भी आप बढ़ाते जाओ, देखो इधर से बढ़ते जा रहा है। इसी तरह आपको तीन चार बार पानी लगा लगा के तो बढ़िया से, ताकि आपके हाथ में चिपके भी ना, सीख भी आपकी अच्छी तरह से चिपक जाए। पानी नहीं लगाओगे तो आपके हाथ में चिपकते रहेगा, सलिए में नहीं चिपकेगा। तो ये हो गया हमारा बनके रेडी। और अब क्या करेंगे, ये रहा बेल पेपर, देखो तीनों बेल पेपर आपको डाल देना है, ये ग्रीन मिक्स किया और इसको लगा दिया। आप चाहे तो टेबल पे भी चारों तरफ से ऐसा लंबा लंबा गिरा के और उसके ऊपर लपेट सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, आप यूं हाथ से लगा के और बाद में दबा दें। देखो ये चारों तरफ से हमने बढ़िया से कुट कर दिया है, जहां भी आपको लगे कि थोड़ा सा कम है फिर और थोड़ा लगा दें और ऊपर से बाद में यूं थोड़ा दबा दें। पर ये देखो बढ़िया सा लग के रेडी हो गया, और आप इसे हम डाल देते हैं। तो ये 5-6 मिनट लगेगा इंशाल्लाह और ये बनके रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा इधर बढ़ रहा है तो उसको निकाल लेता हूँ, लेकिन ढक्कन बस 5 मिनट की बात है। तो बस थोड़ा सा मार देते हैं इसको बटर, वैसे ये पक गया है, अब ज़्यादा हमें काला पीला करना नहीं है, चिकन को पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। 2 मिनट के लिए और डाल देते हैं, 1 से 1.5 मिनट बस। तो दोस्तों हो गया मेरा सीख कबाब बन के रेडी, करते हैं गैस बंद, इसे बढ़िया से निकाल देते हैं। थोड़ा सा इसको हम पहले कटिंग कर देंगे और उसके बाद यूं पीस बना देंगे। चिकन सीख को पकने के लिए टाइम नहीं लगता है, याद रखें। बहुत ज्यादा आप पका देते हैं फिर वो सूख के लकड़ी हो जाता है और जूसीपन जो खत्म हो जाता है, फिर सीख कबाब में मजा नहीं आता है। तो कभी भी आप थोड़ा सा देखो कैसा स्पंची जैसा लग रहा है ना, तो लगा देते हैं सीख कबाब हम मस्त मस्त वाला।
गलत लगाएंगे तो तुरंत बोलना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सेब आपने गलत लगाया था, रफीक क्या कर रहे हो। तो ये हमने सेब कबाब लगा के दोस्तों कंप्लीट कर दिया है, और अब हमारा काम कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में। अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।